मध्य प्रदेश के अमझेरा क्षेत्र में पीपलिया में एक किसान परिवार अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में सोया हुआ था, तभी एक तेंदुआ वहां जा पहुंचा और परिवार के 7 वर्षीय लड़के को अपना शिकार बना लिया। बुधवार सुबह 4 बजे तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिल पाई। देखिए एक खास रिपोर्ट। 22 फरवरी की इस घटना ने गांव भर में तहलका मचा दिया। दरअसल खेत की रखवाली के लिए किसान परिवार सोया था, तभी तेंदुआ 7 साल के मासूम को उठाकर ले गया और शिकार कर लिया। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। वहीं इंदौर के राला मंडल क्षेत्र से स्पेशल रेस्क्यू टीम को बुलवाया गया और घटना स्थल के साथ साथ एक और जगह पिंजरे को लगा दिया गया। 4 दिन बाद आज सुबह करीब 4 बजे तेंदुआ पिंजरे में जा फंसा। सूरज निकलते ही तेंदुए को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। देखो क्या है कि इसमें दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ा, पूरा जंगल की सर्चिंग करना पड़ी। 5 से 6 किलोमीटर का एरिया पूरा 2 दिन तक पूरा देखा, मगर पथरीला क्षेत्र होने से कोई पगमार तो उसके ट्रेस हुए नहीं। कुछ उसकी पुरानी विष्ठा मिली है, उसके आधार पर हमने पिंजरे सेट किए गए हैं। तो एक पिंजरा यहाँ पर सेट किया था और कल एक पिंजरा दूसरे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर जिसमें ये आज खेल हो। अब जैसे वरिष्ठ से निर्देश मिलेंगे वैसे कार्रवाई हो। कि ये 22 तारीख की रात की घटना थी, कि हमारा जो ये अभी हम घटना स्थल पर खड़े हैं, जहाँ पे 22 तारीख की रात में एक परिवार यहाँ पे तो सोया हुआ था। उस परिवार के साथ में 2-3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को तेंदुए ने उठाकर उसका शिकार कर लिया था। उसके तत्काल बाद हमने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनसे डिमांड की थी कि हमें इंदौर की जो रेस्क्यू टीम है, वाइल्ड लाइफ अपना राला मंडल रेस्क्यू टीम, उसको बुलाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। वो टीम आई यहाँ पे, लगातार सर्चिंग करती रही और सर्चिंग के बाद में आज रात की 4 बजे तेंदुआ हमारी गिरफ्त में आ गया और अभी हमारे साथ में है। और उसको अब हमने हमारे वरिष्ठों से निर्देश प्राप्त किए हैं, इसको अब कहाँ पे आगे की कार्रवाई क्या किया जाना है और कहाँ पे इसको छोड़ना है। वन विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार तेंदुए को मादा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र का अंदाजा 8 वर्ष लगाया जा रहा है। अधिकारी फिलहाल तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए वन विभाग के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, धार।